तो राम राम मेरे भाई, देखो कैसे हो आप सब। आई होप मेरे सभी छोटे भाई बड़े भाई बड़े होंगे, तो भाई बड़े रहना। तो भाई बनारस से आ चुका हूँ, हालांकि मुझे आए हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं और अभी दोबारा फिर कैमरा पकड़ा। तो 2-3 दिन अपनी थकावट हो रही थी, पूरी करे तो 2-4 काम भी थे यार, तो वो भी काम अपने पूरे करे हैं। तो भाई यही है, तो बाकी दिन की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम टाइम हो रहा है 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और भैया ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा जबरदस्त दिल्ली में, वहाँ तो ठंड थी नहीं, लेकिन यहाँ वाक्य में दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। दिल्ली में ज़्यादा ठंड है, बनारस में इतनी ठंड नहीं थी। बनारस में ऐसी ठंड थी जैसे हमारे दिल्ली में 2 नवंबर में ठंड पड़ती ना, ऐसी ठंड थी बनारस में। लेकिन दिल्ली में पैर रखते ही वैसा ठंड है, टॉप अप आ चुका है। उस टाइम पर टॉप पहनने की जरूरत नहीं थी, जैकेट वैकेट आ चुकी है प्रॉपर तरीके से। बाकी चलो कोई नहीं, दिन की बात हो चुकी है, देखते क्या है। हाँ, और गाइस अभी मेरे जो मेरे दोस्त हैं काफ़ी सारे, उनके मेरे पे मैसेज भी आ रहे थे कि भाई आप बनारस गए थे, आपका क्या खर्चा, आपने कौन सी जगह से बस बुक करी है, क्या सी करी है, क्या फैसिलिटी थी वगैरह थी। तो मैं गाइस आपको बताता हूँ पूरा मेरा जो इस ट्रिप पे खर्चा आया, मेरा खर्चा आया तकरीबन 4,000 रुपये। 4,000 रुपये गाइस हमने किसी भी चीज़ की कमी नहीं की, हमने खूब खाया, हमने खूब मतलब बहुत अच्छा, हमने ये नहीं कि हमने महंगी से महंगी चीज़, बड़े से बड़े चीज़, बड़े चीज़ हर चीज़ करी। अब मोटा मोटा खर्चा बता दूँ गाइस आपको, जो मेरे 2 बर्थ थे वो तो सेम रेट के, जो मेरे सिंगल बर्थ था वो थोड़ा महंगा था। जो मेरा जब मैं यहाँ से गया था भारत नैन की बस से गया था, वो मेरे जो प्राइस पड़ा था उसका पर टिकट का प्राइस पड़ा था 840 रुपये का, 830 से 840 रुपये का पड़ा था। लेकिन मैं 25 रुपये का इंश्योरेंस ले रखा था उसमें। अगर हम अब ऑनलाइन पेटीएम से करोगे तो उसमें आपको 25 रुपये इंश्योरेंस की एक पॉलिसी आएगी, जो भी होगा किसी का 25 किसी का 30 कहीं के लिए भी। तो मेरा 25 रुपये का था, क्योंकि हमने उसमें क्या कर रखा था, इन केस अगर कुछ हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा कंपनसेशन मिलेगा या फिर हमारा जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है उसके लिए होता। तो हमने 25 रुपये का मून देखकर हमने वो कर दिया वो। दूसरा, वो जो टिकट थी वो हमें टोटल फी पड़ी थी 860 रुपये की पर पर्सन की टिकट पड़ी थी। तो यहाँ से हमारी, और जो अगर हम सिंगल के ले रहे थे वहाँ पे सिंगल बर्थ की भरत बहन से ही, तो तकड़ी में पड़ी थी हमारी 1,000 रुपये की। तो यानी कि वो शुरू में जो 3 टिकट पड़ी थी वो पड़ी थी हमें 3,300-3,500 रुपये की टिकट। लेकिन आते वक्त की जो हमें हाईवे स्टार किंग से हमने कर रखी थी, और उस बस में हमारा वॉशरूम भी था, लेकिन भारत बहन वाले में वॉशरूम नहीं था, तो उस बस में हमारा वॉशरूम था। तो जिसमें उसकी जो टिकट पड़ी थी वो पड़ी थी हमें 630 रुपये की एक बर्थ की, यानी कि 2 बर्थ थे उसकी 630 रुपये की, इसमें 25 रुपये का इंश्योरेंस ऐड था। और जो सिंगल था उसकी पड़ी थी हमें तकरीबन 1,000 रुपये की, उसकी सिंगल की बर्थ बहुत महंगी थी, तो वो हमें टिकट पड़ी थी तकरीबन 2,300 रुपये के आसपास की, वो टिकट पड़ी थी। फिर हम बनारस पहुंच गए, फिर वहां से हमारा जो मोटा मोटा खर्चा था, जो 800 रुपये का हमारा रूम था ये एक मोटा खर्चा हुआ है, और 300 रुपये का हमारे 400-500 रुपये का हमारा किराया लग गया जो हम आने जाने में लगा दिया, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। खाना हमारा 500 रुपये बैठा, तो मतलब खाने पीने में कसर नहीं करी। फिर हमने प्रसाद लिया, प्रसाद गाइस थोड़ा महंगा था वहाँ पर, हमारा काशी का प्रसाद था 290 रुपये का, 300 रुपये का हमारा प्रसाद पड़ा था, और भैरव बाबा पर हमने 50 दिया था, 50 रुपये का हमने वहाँ पर था। फिर कुछ डिब्बे लेते घर के लिए अंदर से। वो गाइस अगर आप जा रहे हो काशी विश्वनाथ, तो मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप काशी विश्वनाथ जा रहे हो तो आप जो प्रसाद है उस प्रसाद को आप यहाँ से बाहर से मत खरीदना, उस प्रसाद को केवल आप अंदर से खरीदना ट्रस्ट के द्वारा। तो 50 से 100 रुपये के डिब्बे मिलते हैं लाल पेड़े, वो आप खरीद लेना। अगर आप बाहर से प्रसाद खरीदोगे तो बहुत ही महंगा कॉस्टली देंगे, तो आप कुछ लिमिटेड आइटम खरीद लेना, और अंदर से आप लाल पेड़े का प्रसाद होता है उसे खरीद लेना। बाकी मैंने थोड़े लाल पेड़े भी ले लेते अंदर से, 50-50 के डिब्बे भी थे, 100 वाले थे ले, तो मैंने अपनी मर्जी से ले लेते वो। और बाहर जो मैंने देखा था, तो वो जैसे वैष्णो देवी में चढ़ता है ना उसका प्रसाद, गोल गोल से मुगम टाइप का, तो उस तरह का वो प्रसाद मुझे मिला था। बाकी मैंने धतूरा वतूरा जो भी था वो सब चीज़ हमने बाहर से ले ली थी। तो ये है बाकी। और भाई गाइस लूटपाट बहुत है वहाँ, हर कोई मिनट में पंडित जी आते हैं कि ये कर दो वो कर दो, तो उसमें थोड़ा चक्कर में अवॉइड करना। बाकी सब बढ़िया, रीजनेबल प्राइस है, खाने पीने में कुछ कमी नहीं है, एक नंबर का खाना है, इतना बेहतरीन खाना शायद घर जाकर खाना, खाने पीने में आप कमी नहीं रखोगे। रूम भी ठीक है, 800 रुपये का ठीक है, 3 दिनों में ठीक है, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं बैठा। तो कुल मिला के ट्रिप हमारी बहुत ही अच्छी रही है। और हमारे यहाँ पे हमारे गाँव में यहाँ पे साईं मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उस दिन उद्घाटन नहीं मूर्ति की स्थापना हो रही है, तो आपको दिखाता हूँ मंदिर कैसा बनाया है। यहाँ पे मूर्ति स्थापना दिखाते हैं सारी आपको, पूरा ब्लॉग दिखाएंगे आपको। तो उस जो भी मेरे जितने भी मेरे यहाँ पे अपने मेरे गांव से देख रहे हैं, मेरे आसपास के लोग क्षेत्रवासी देख रहे हैं, तो आपको 22 जनवरी को गांव नाई पर आपको जरूर आना है। यहाँ पे स्थापना में भंडारे की व्यवस्था भी पूरी है, आपको उसकी भी लोग दिखाएंगे। तो चलो पहले आपको लेकर चलता हूँ मंदिर, आपको दिखाता हूँ क्या क्या करवाया आपको मंदिर का। चलो कैसे, ये है श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, हमारे भाई कृष्ण बंसल वाले बड़े भाई, और भाई गाइस ये हमारे बाबा जी का गेट है, स्वर्ग जोश दास बंसल द्वार गड्डी कटे वाले, ये हमारे बाबा जी गेट है, अभी इसको रिपेंट करवाया हमने गेट पे, और ये इसी के आगे जाके ही आपका साईं मंदिर है। चलो आपको दिखाता हूँ आपको इस मंदिर पे ना 3 से 4 दिन से पूजा हो रही है, 22 तारीख को उद्घाटन है और 8 तारीख 20 हो चुकी है, तो 20 तारीख को यहाँ पर कुछ लगता है 3-4 दिन हो गए से पूजा होते हुए, 22 तारीख को यहाँ पे मंदिर में स्थापना रखी जाएगी। चलो तो आपको मंदिर दिखाता हूँ, मंदिर कैसा बनाया आपको दिखाते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जाके सब हर हर महादेव लिख देना। तो ये प्लॉट है, इस प्लॉट पर काम चल रहा है, जरा घर तोड़वा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर ही घर बनाएगा, यहाँ पे बजट तरीके से हमारे। और बाकी देखो गाइस ये रहा मंदिर, आपको अपना साईं मंदिर, ये रहा, ये हमारा साईं बाबा मंदिर है, इसकी सारी मूर्ति वगैरह यहाँ रख रखी थी,
अब वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ये मंदिर है कुछ, ये आप देख सकते हो। देखो इसमें पूरी वो लाइटिंग वगैरह सब लगा दी है। अब इसमें राम लला की भी स्थापना करेंगे मूर्ति की, और ये यहाँ पे शनि देव की मूर्ति स्थापना होगी। पहले जो है गाइस, इसमें आपकी मूर्ति थी, आपकी इसमें मूर्ति हनुमान जी की और शिव परिवार और आपका राधा कृष्ण भगवान और एक दो मूर्ति और थी माँ दुर्गा जी की। लेकिन अब इसमें दो मूर्ति बढ़वा दी हमने, इसमें दो मूर्ति बढ़वा दी, तो राम लला जी की मूर्ति बढ़वा दी है और आपका इसमें बढ़वा दी हमने मूर्ति शनिदेव महाराज की। तो ये है, आपको बिल्कुल मंदिर को भी दिखाएंगे, पूरा दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से है अंदर से इसका, पंडित जी ने खोल दिया है पूरा मंदिर। ये देखिए ये देखिए गाइस, ये पूरा मंदिर 22 तारीख को शानदार यहाँ पर हो जाएगा उद्घाटन। बीच में आ जाएगा आपका सब परिवार पूरा, यहाँ साहिब में पूरे में मूर्ति, और ये चलिए पूजा काल मंदिर में। और हमारे पंडित जी है, पंडित जी जय श्री राम, जय श्री राम भैया। हमारे पंडित जी है मंदिर के सेवक, बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। ऐसे मत करो। तो गाइस हो जाएगा 22 तारीख को उद्घाटन, वो भी दिखाएंगे। तो जितने मेरे फिलहाल गाइस देख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी देख रहे हैं लोनी के क्षेत्रवासी, 22 तारीख को आपको नायपुर में आ जाना है। बिल्कुल पूर्ण तरीके से आपकी व्यवस्था सारी है, कलश यात्रा भी है उस दिन। तो जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना कलश यात्रा में भी, तो ठीक है। और हमारे भाटे जी नाप ले रहे हैं, इनका घर बन नहीं, कोठी तैयार कर रहे हैं हमारे भाटे जी। और भाटे जी ठीक हो? बढ़िया भाई जी ने लगवाया, देखो 2 लाख रुपया गेट लगवाया भाटे जी ने। भाटी बेहतरीन गेट लगा रहा है, बेहतरीन एक नंबर का, बिल्कुल मौज करती भाई। बगा इसी मंदिर के पीछे देखोगे आप, वो स्कूल है हमारा, वो स्कूल है, पूरी बिल्डिंग देख रहे हो स्कूल की। बिल्कुल मंदिर से जस्ट बराबर गली में रास्ता जा रहा है स्कूल के लिए, तो आप स्कूल में आ सकते हो। मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल आपका, आपका अपने नायपुर में स्कूल है, जो भी नायपुर भाई नायपुर से देख रहे हैं वो सभी स्कूल में आ सकते हैं।